वेलकम टू निशा स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाएंगे बूंदी की लड्डू। आपको मेरी वीडियो मलयालम में देखना है तो नीचे दी गए लिंक को क्लिक कीजिए। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं बूंदी की लड्डू। सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 2 कप बेसन ले लिया है, उसे छान के ही लेना है हमें। और इसमें हम 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और इसमें 1 स्पून घी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम मीडियम थिक बैटर बना लेंगे। एकदम पतला बैटर नहीं बनाना है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाना है। गुठलियां ना रह जाए इसका ध्यान रखना। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। इस तरह से बैटर हमें रेडी कर लेना है। अब मैंने पैन में तेल गरम करने रख दिया है, तेल गरम हो जाए इसके बाद में एक जारा में हम इस तरह से बैटर डाल देंगे और हल्के से टैप करते हुए बूंदी डाल देंगे। जब भी हम दूसरी बार बैटर डालेंगे तभी हमें जारा को अच्छे से धो के साफ कर लेना है, उसके बाद में ही हम बूंदी बनाएंगे और तेल अच्छे से गरम रहना चाहिए। बूंदी एक बैच बन चुका है, इसी तरह से हम सारी बूंदियां बना लेंगे। ये सारे बन चुके हैं, अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। एक पैन में मैंने एक कप शुगर ऐड कर दिया है, इसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। अब ये थोड़ा बॉयल होने हो जाएगा तभी हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तार नहीं बनाना है हमें इसका, थोड़ा सा सिरप ठीक हो जाए तब तक हम इसे बना लेंगे। इस प्लेट में निकाल के देखेंगे, एकदम से गिर रहा है तो शुगर सिरप रेडी नहीं है, हल्के से इस तरह से धीमे धीमे गिरना चाहिए तभी शुगर सिरप रेडी हो चुका है हमारा। इसके अंदर मैंने 1 स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो तैयार करके रखा है बूंदी उसे भी हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाते हुए हमें 2 फ्लेम पे जब तक तो शुगर सिरप सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। 2 फ्लेम पे करना है, इसके बाद में हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद में अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद में हम इसका लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से सारे लड्डू हम बना लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।